हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्यूनेस की। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्यूनेस की, तो हम चलिए वीडियो पे आते हैं। स्क्यूनेस के बारे में मैं ज़्यादा आपको डीपली नहीं बताऊंगा, इसका शॉर्ट बता दूंगा कि स्क्यूनेस एक्चुअली क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप होती हैं, ठीक है। और हम इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे, जैसे कि इसके दो मेथड होते हैं आप सभी जानते ही हो, कार्ल पियर्सन कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बोले कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस। आज हम कार्ल पियर्सन कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होएगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वहाँ पे हमने बोले कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस पे ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमेट्री इट इज सेड टू बी असिमेट्री और अस्क्यूड, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है कि असिमेट्रिकल वेल और वर्ड और स्क्यूड वर्ड दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कि हमारे पास अगर एक से लेकर 10 तक फ्रीक्वेंसी दी हुई है और 10 से दोबारा एक तक आ रही हैं, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले हमारी एक से ऐसे ऐसे जाएगी 10 तक, 10 के बाद फिर वो एक तक आ जाएगी। ये हमारे पास जो एक बेल शेप बन रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। इट मीन्स कि जहाँ पे कोई स्क्यूनेस नहीं है, एकदम सिमेट्री है। और हम जब इसमें देखते हैं क्या देखते हैं, हमारे पास वैल्यू तो बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर, और जो डिक्रीज हो रही है वो बहुत बिल्कुल स्लो हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, पहले आ रही थी 2, 4, 6, 8, 10, 10 के बाद क्या आ रही है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है ना। ऐसे जब इंक्रीज हो रही थी तो बहुत तेज़ी हो रही थी, अब डिक्रीज हो रही है तो बड़ी स्लोली स्लोली हो रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। जैसे कि पहले इंक्रीज हुई और बाद में डिक्रीज हो गई धीरे धीरे। और जहाँ पे जब हम तीसरी स्क्यूनेस की बात बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, ये स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है और सडनली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट में हम देखेंगे हमारा मोड, मीडियन और मीन, ठीक है, तीनों एक पॉइंट पर आएगा। और इस केस में हमारा सबसे पहले मोड आएगा, जैसे आप सभी जानते हो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, रिपीट होती है वैल्यू, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। मीडियन हमारा मोड और मीन के सेंटर में जो आता है, मीन और मीडियन के सेंटर में नहीं, जैसे बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो सेंटर वाला वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वाला केस में, इसको नेगेटिव सिक्योर्ड बोलते हैं, इसको पॉजिटिव सिक्योर्ड बोलते हैं, और ये सिमेट्रिकल सिक्योर्ड होता है, ठीक है, बेल शेप। और इसमें केस में क्या हमारा क्या होगा, सबसे पहले मीन आएगा, उसके बाद मीडियन और उसके बाद मोड, क्योंकि मोड की वैल्यू जो ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही आएगी ना, तो ये पॉइंट जहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको जितना क्लियर हो गया होगा कि बेसिक सी आपको नॉलेज मिल गई होगी कि स्क्यूनेस बोलते किसको हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है और एक बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है। इन दोनों के फार्मूले मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। आज हम कौन सी बात करेंगे, आज हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करेंगे कि इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है और इसको सॉल्व करने का क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाला हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, दोस्तों जहाँ पर हमने ऊपर लिखा है कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। एक सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर जे फार्मूला लगवा लीजिए या फिर जे लगवा लीजिए। देखिए मीन दोनों के अंदर आता है, अगर हमारे पास मीडियन है तो हम जे वाला फार्मूला लगवाएंगे, अगर हमारे पास मोड है तो हम जे वाला फार्मूला लगवाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम जो बेसिकली आज करेंगे वो हम मोड वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि जी देखिए, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू होता है 3 times मीन माइनस मोड के, ठीक है, ये हमारे पास कार्ल पियर्सन का रिलेशन होता है। तो आज हम ये वाला इस्तेमाल करके फॉर्मूला और हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक क्लास इंटरवल दी हुई है और ऑफ नंबर ऑफ एन दिए हुए हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको क्या करेंगे, टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। दोस्तों टेबल हमने पहले बना रखा है, ठीक है, ताकि जो कि हमारी स्पीड ठीक रहे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे इधर, और क्लास इंटरवल का हमने मिड पॉइंट लिखना है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कहने का मतलब है 25 और 35 के जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो हम मिड पॉइंट में लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन, और हम इसको कौन सा फ्रिक्वेंसी जो लिखी हुई है, जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है उन्होंने, ठीक है। चलिए पहले ये लिख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, क्लास इंटरवल लिख लिया, और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वो लिख लिया, और ये हमने जो फ्रिक्वेंसी दी थी हमने वो लिख ली, ठीक है। 25 और 35 के सेंटर का पॉइंट कौन सा आता है, जो इसके मिड में आता है, वो आता है 30, ठीक है। 25 और 5 30, और ये 30 और 5 35, ठीक है। जो ऐसे हमने मिड पॉइंट सभी का लिख लिया और ये फ्रिक्वेंसी लिख लिया। दोस्तों हम कौन सा फार्मूला लगवाने जा रहे हैं, जे वाला, ठीक है। इस पर क्या क्या हमको चाहिए, सबसे पहले तो जैसा कि इस फार्मूले में लिखा है, हमको मीन चाहिए, ठीक है, और एक हमको मोड चाहिए, और एक हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हमको कौन सा चाहिए, ये तीनों चाहिए। दोस्तों हमने पिछले वीडियोज़ में सभी में देखा हुआ है, जैसा कि मेरे पिछला वीडियो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, हमने आपको मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो सभी कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं सीरीज ऑर्डर की तरफ, हम क्या क्या निकालने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या निकालेंगे, मीन। मीन हम इसमें दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो फिर हम इसको अज्यूम्ड मीन लेके, या फिर हम एक्चुअल मीन लेके। हम इसमें क्या करेंगे, अज्यूम मीन के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमने अज्यूम मीन जो ले लिया, हम देखेंगे सेंटर वाला पॉइंट कौन सा आता है इसका, ठीक है। सपोज कर लीजिए दोस्तों, हमने अज्यूम मीन जो ले लिया वो इसमें से 55 ले लिया, ठीक है। अब हम 55 अज्यूम मीन ले लिया, और उससे हम एक्चुअल मीन निकालेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जैसा आप देखते ही हो कि हमने पहले डी निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे माइनस अज्यूम मीन कर देते हैं, ठीक है। हमने, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, 30, और अज्यूम मीन क्या है, 55। अगर हमने 30 से 55 निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 25 बचेगा, ठीक है। अगर 40 से 55 निकाल दिया तो माइनस के 15 बचेगा। अगर 50 में से 55 निकाल दिया तो हमारे पास माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अगर 60 में से 55 निकाल दिया तो 5 बचेगा। 70 में से निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 15, ठीक है। दोस्तों अभी हम इस डाटे को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, वैसे तो यहाँ से भी आंसर आ जाना था, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि हमने निकाल दिया डी डैश करके, वो क्या किया, डी एस अपॉन उसको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए भी काम आ जाएगा ना, इसलिए हमने इसको कर दिया। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 25 को डिवाइड कर दिया अगर 5 से, ये हमारा डी है, हम डी को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, डी को डिवाइड किया 5 से। अगर अभी 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 3, 5 को कर देंगे और इसको कर देंगे 3, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास डी डैश आ गया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपना निकालना है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है और जो हमारा डेविएशन आया होता है, फ्रिक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एफ और डी डैश को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 को 25, ये माइनस का 25 आ जाएगा। 8 और 3 को करेंगे 24, माइनस का 12, और 1 को करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा। 20 और 1 को करेंगे 20 आ गया। 15 और 3 को करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है। जब हम इनका समीशन कर लेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ डी डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। आप एक बार इसको जोड़ करके देख लेना, ये 4 ही आएगा। तो चलिए, हमारे पास जो अज्यूम मीन होता है, अज्यूम मीन का फार्मूला क्या होता है, जो हमने अज्यूम मीन किया है उसके अंदर प्लस करना समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ, ठीक है। एफ डी जे वाला हो गया, समीशन एफ हमारे पास जे वाला हो गया, और मल्टीप्लाई कर देना इसको जो हमने आई लिया था, जे वाला जो भी पॉइंट लिया था, इसको आई ए बी सी जो मर्जी मान सकते हो, ठीक है। जो मेरी बुक में लिखा हुआ है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने इसको आई मान लिया, ठीक है।
अभी इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ फिल करेंगे, अज्यूम इन आपने क्या लिया था, 55, 55 लिख दिया, प्लस 4 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। हम इसको काट देंगे 12, और इसको हमने काट दिया 4 तीके 12, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 55 प्लस 1/3, ठीक है। 1/3 का वैल्यू आप जानते हो 0.33 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 55.33। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, मीन की, ये हमारे पास मीन आ गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम अब निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, रूट ऑफ समीशन एफ जो डी आता है डैश का उसका स्केयर डिवाइड बाय समीशन एफ, इसमें से माइनस करना रहता है हमने क्या, समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ इसका होल स्केयर और मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है दोस्तों। अभी हमारे पास ये देखिए एफ डी तो है, लेकिन हमारे पास एफ डी डैश का स्केयर नहीं है, ठीक है, डी डैश जे वाला है इसका स्केयर हमारे पास, और उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अभी हम पहले इसका स्केयर करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 25 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 का 5 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो -5 × -5, ठीक है, माइनस से माइनस कटा गया, क्या आ गया 25। अभी 25 को इस 5 से मल्टीप्लाई फिर करना है, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 125, ठीक है। ऐसे ही हम इधर करेंगे एफ डी डैश का स्केयर, यहाँ तो आ गया 125, ठीक है। 3 का स्केयर करेंगे 9, ठीक है, 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72। 1 का स्केयर करेंगे 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, जहाँ फिर 20 का 20 ही रह जाएगा। 3 का स्केयर करेंगे, ठीक है, 3 का जब स्केयर करेंगे तो आ जाएगा 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 135। जब हम इसका समीशन करेंगे एफ डी डैश का स्केयर इसका समीशन करेंगे, ये हमारे पास आएगा 364, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, क्या आ जाएगा 125 प्लस 72 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 135 364, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया 364। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है इसके अंदर सभी वैल्यूज़ को फिल अप कर देंगे, क्या आ जाएगा 364 डिवाइड बाय समीशन एफ जो है था 60 माइनस एफ डी डैश का स्केयर, ठीक है, ये हमारे पास क्या था 4/60 इसका होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका अंडर रूट। दोस्तों याद रखना अंडर रूट यहाँ तक है, ये 5 जो है ये अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 364 डिवाइड बाय 60, ये हमारे पास क्या आ गया 6.00, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 6.1 ले सकते हैं, नहीं तो 6 ही ले लीजिए, ठीक है। तो हमने इसको क्या ले लिया 6.1, ठीक है। अभी माइनस करना 4/60, जब हम 4/60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.06666, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 0.0666, ये दोनों ब्रैकेट में है और इन दोनों का अंडर रूट करना है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। जब हम 6.1 में से माइनस करेंगे 6.1 में से माइनस करेंगे 0.0666, तो हम इसका भी अंडर रूट कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 5 से कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 12.28, जी हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है दोस्तों। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया और हमारे पास मीन भी आ गया। अब हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है, मोड की,
ठीक है, मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम आज कर देखेंगे मोड। मोड का दोस्तों क्या फार्मूला होता है? मोड का जो फार्मूला रहता है, मोड मोड का क्या फार्मूला रहता है? जो भी हमारी लिमिट बन रहती है, ठीक है, उसके अंदर प्लस करना होता है माइनस एफ वन डिवाइड बाई टू टाइम्स एफ एम माइनस माइनस एफ टू इंटू आई के साथ। ठीक है दोस्तों, जो हमने पिछली बार फार्मूला किया था वो मोड का थोड़ा और था। फार्मूला बेसिकली दोनों सेम है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है। जैसे कि ये जो है हमारे पास एल, ये क्या है हमारे पास लोअर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट होगी एल टू, वो जे वाली होगी, ठीक है। अभी जो हमारे पास एम है, सॉरी एफ एम, ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आई है, ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो 12.28 आ गया था, ठीक है, 12.28। इसका मतलब क्या हुआ है? जो हमारा जो ये क्लास इंटरवल है, ये देखिए, ये तो हमारा सिर्फ 12 तक है, लेकिन 12 के ऊपर कौन सा है? ये 20 वाला है, ठीक है। जो हमारी जो क्लास इंटरवल है वो जे वाली एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो हम जो भी बात करेंगे वो इसी को मेन रख के बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी देखिए, जो हमारे पास एल वन है वो लोअर लिमिट हो जाएगी, एल टू अगर होगी तो वो अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है, जो एल टू है। और उसके बाद हम क्या करेंगे आगे? आई, आई क्या था हमारे पास? पहले हमने जो 5 लिया था वह, लेकिन अभी आई क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। हम इधर आपको लिख लेते हैं, जो एल वन है हमारे पास वो है 55, ठीक है। जो एफ एम है इसको क्या बोलते हैं? मोड, ठीक है। ये हमारे पास ये 20 आएगा, जो सॉरी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी और मोड ये क्या है? 20 आएगा। एफ एम की वैल्यू क्या आएगी? 20। और एफ वन जो है, एफ वन जो उसके ऊपर लोअर फ्रिक्वेंसी है वो आएगी। एफ वन क्या आएगी? जो हमारे पास लोअर फ्रिक्वेंसी है, लोअर फ्रिक्वेंसी कौन सी है? जो 20 के ऊपर जो है 12। और एफ टू हमारे पास जो अपर फ्रिक्वेंसी है वो क्या है? 15, ठीक है, 15। और भी आई जो है, आई क्या है आपको जैसे बोले, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 का, ठीक है। ये हमारे पास इन सभी की वैल्यूज आ गई। अभी हम इन वैल्यूज को यहाँ पे फिलअप कर देंगे, इनकी क्या जाएगी? 55 प्लस एफ एम की वैल्यू क्या है? 20, 20 माइनस एफ वन, एफ वन कितना है? 12 डिवाइड बाय टू टाइम्स एफ एम, 20, दो बार गुना करना 20 को, और बीच में माइनस करना 15 और 12, ठीक है, क्योंकि एफ वन की वैल्यू 12 है और एफ टू की वैल्यू 15 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे जी, हमारे पास क्या आ जाएगा? 55 प्लस 20 में से 12 गया 8 डिवाइड बाय, इसको जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 से निकाल दिया इसमें से 15, 16, 17 और 27 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे जी, हमारे पास क्या बनेगा? 55 प्लस 40 माइनस 27 13, ठीक है, 8 डिवाइड बाय 13 क्या बन जाएगा? 0.61। और इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, ये हमारे क्या बन जाएगा? 55 प्लस 6.153, ठीक है। अब इसके अंदर 55 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बनेगा? 61, क्या बनेगा? 61.15, जो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई? मोड की, ठीक है, जो हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई 61.15 अप्रोक्सीमेटली इतनी आ जाएगी, ठीक है। आप अपने एक बार कैलकुलेटर के ऊपर चेक करके देख लेना, इसकी वैल्यू यही आएगी। तो आगे हम देखते हैं, हमारे पास जो कार्ल पियर्सन का कोफिशियंट था उसका क्या फार्मूला था? मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास मीन कितना आया था? 55.333, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आया था? 12.28 डिवाइड बाय 12.28। और मोड की वैल्यू क्या आ गई थी? सॉरी, मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 61.15, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्या आंसर आ गया। नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि ये 61 की वैल्यू ज़्यादा है और 55 कम है, ठीक है, 55.33
माइनस 61.15, 5.82 माइनस के 5.82 डिवाइड बाय 12.28 28 ये हमारी वैल्यू आ गई जो मोड की ये कार्ल पियर्सन का कोफिशियंट है स्क्यूनस की वैल्यू आ गई -0.473। ठीक है दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया जो कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना था। ठीक है दोस्तों ये था हमारा कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग जो स्क्यूनस का कैसे न्यूमेरिकल आता है, और आगे हम देखेंगे कि बॉयले जो मेथड होता है वो कैसे यूज़ किया जाता है बॉयले कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनस का। दोस्तों अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपकी कोई भी आपके दिल में बात हो मेरे से जो कहनी हो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपको समझ नहीं लगा। ठीक है इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ एक बार ज़रूर शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो ज़रूर साझा करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।